नहीं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके अपने स्वार्थ के लिए राज में शामिल हो। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला रविवार को सीएम सिटी करनाल में पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें और पार्टी से लोगों को जोड़े और संगठन को मजबूत करें। इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ताऊ देवी लाल की नीतियों को गिरवी रखकर सत्ता में शामिल हुए हैं। हरियाणा में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर कहा कि कई बार मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालने के बाद भी नशे के कारोबार पर अभी तक किसी तरह की लगाम नहीं लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। हमने नए सिरे से अपना संगठन खड़ा करने, नई जिम्मेवारियां नए साथियों को सौंपेंगे, उसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा किया। नए साल में जहां सरकार की कमियों और खामियों को उजागर करेंगे, वहीं अपने संगठन में और ज्यादा मजबूती लाने का काम करेंगे। इसके लिए याद मीटिंग बुलाई। दिल्ली में चुनाव को कैसे देखते हैं? अभी सब पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, हम भी 2-3 सीट पे अपने प्रत्याशी हमेशा खड़े करते हैं। हमारा पूर्व में एक विधायक भी वहां से रहा है और अब की बार भी हम एक विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। जो इनेलो के बाकी वहां सरकार किसकी बने, इस बात को लेकर के सारे राजनीतिक दल बहुत जोर मारते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। हम सत्ता में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आकर के मैनिफेस्टो लागू करेंगे, बाद में दिवालिया पिट जाता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोगों के बीच में कल को जाकर के खड़े हों, लोग हमारे ऊपर इस बात को लेकर के उंगली उठाए कि आप हमें कौन से वायदे करके आए थे और आज कहाँ खड़े। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने का काम करेंगे। हम उनकी नीतियों को गिरवी नहीं रखना चाहते थे। लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम का दुरुपयोग किया और उनकी नीतियों को ऐसे लोगों के ले जाकर के गिरवी रख दिया जिन्होंने चौधरी देवीलाल अनेक दफा धोखा देने का काम किया। लगातार नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है हरियाणा, पंजाब से भी ज्यादा मामले, आपने भी आवाज उठाई थी, तो क्या करते हैं? पहले मुझे आप ये बताओ, करनाल में नशा है कि नहीं? बहुत है, बहुत ज्यादा है। आप प्रेस के साथ इस बात को मानते हो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मानता। जो आपके यहाँ का नुमाइंदा है वो ये कहता है कि वहां पे प्रशासन जो बड़ा मुस्तैद है और वहां नशा नहीं है। मैं आपकी बात को विधानसभा में अवश्य रखूंगा और कहूंगा कि मुझे प्रेस के साथियों ने बताया कि करनाल के अंदर भी अथा नशा है जो प्रशासन की मिलीभगत की वजह से चल रहा है। मुख्यमंत्री अगर अपने यहां रोकथाम नहीं कर सकता तो फिर प्रदेश में तो आप मान के चलो रोकना संभव ही नहीं है। इसको रामनगर इसलिए संभव नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं। मैंने बकायदा तौर पे मुख्यमंत्री को एक वीडियो बना करके, जिसमें एक नहीं उस वो बना करके जो आजकल जिसमें बहुत सारी वीडियो दिखाई जाती है, यूएसपी होती है क्या होती है वो, उसमें कोई सैकड़ों लोगों ने ये बात खुल करके कही है कि फलां व्यक्ति जो है नशे के कारोबार में शामिल है, जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था पवन बेनीवाल, उसके ऊपर सैकड़ों गांवों में हजारों लोगों ने आरोप लगाया खुल करके कि ये नशे का कारोबार करता है। आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। तो जो लोग उम्मीदवार बनाते हैं उनको नशा बेचने से कैसे रोक सकते हैं? यहां भी आप कहते हो कि रामनगर कॉलोनी में नशे का कारोबार बहुत बड़ा है, वहां मुख्यमंत्री को ज्यादा वोट मिले होंगे जरूर, ये भी देख लेना। घर भी बैंक में है,
वही घर है तो फिर तो रोकेगा कौन हो सकता है, उनके दरवाजे भी बैठ के बेच रहा होगा। मेरे से क्यों पूछते हो, आपने कहा कभी किसी को, आपने कभी छापी बात अखबार में कि लोगों के साथ है जो भाजपा के जजपा के लोगों ने मिलकर के धोखा करने का काम किया। जितना जिम्मेवार मैं हूँ इस बात के लिए लोगों को बताने के लिए, उससे ज्यादा बड़े आप भी हो। आपके आपके घरों में भी बुजुर्ग होंगे जो पेंशन लेते होंगे, जिनको उम्मीद होगी अकाउंट होंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।